हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। क्या हुकूक के लिए एहतजाज करना दहशतगर्दी है? एसएसपी अस्मतुल्ला तशद्दुद केस में इमरान खान की दरखास्त। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में कप्तान की पेशी, अदालत का दायरा इख्तियार और दहशतगर्दी की दफात को चैलेंज कर दिया। इमरान खान का कहना है कि गोलियां बरसाना दहशतगर्दी है या इंसाफ के लिए एहतजाज, सुल्ताना डाकू से मुवाजना ना किया जाए। जस्टिस नजवी रिपोर्ट में शहबाज शरीफ का झूठ सामने आ गया, कप्तान ने ताहिर कादरी का साथ देने का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत जारी, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर समाअत कर रहे हैं। अमरीका ने मकबूजा बैतुल मकदस को इसराइल का दारुलहुकूमत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सफारतखाना मकबूजा बैतुल मकदस मुंतकिल किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह इकदाम खत्ते में अमन के लिए बहुत जरूरी था। अमरीका का एक तरफा फैसला नामंजूर, फलस्तीन और तुर्की समेत कई ममालिक में एहतजाज। फलस्तीन सदर महमूद अब्बास का कहना है कि अमरीका ने शर्मनाक और नाकाबले कबूल इकदाम किया, कहते हैं फैसले से खित्ते को शदीद खतरात लाहक हो गए। अरब लीग का हंगामी इजलास हफ्ते को तलब, ओआईसी का सरबराही इजलास 13 दिसंबर को अंकरा में होगा। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी अमरीकी फैसले के मुखालिफ। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर फौरी अमल दरामद होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का सऊदी शाह सलमान को टेलीफोन, मशरक वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आलमी बरादरी की ख्वाहिश पर अमरीका अपना फैसला वापस ले, शाह सलमान का पैगाम। पाकिस्तान खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत की हिमायत करता है, अमरीका का फैसला सलामती काउंसिल की करारदादों के खिलाफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा, अमरीका की इस्लाम दुश्मनी का इतना बड़ा नमूना पहले नहीं देखा। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। मकबूजा बैतुल मक़द्दस को इसराइल का दारुलहुकूमत तस्लीम करने पर कराची में एहतजाज, यूनिवर्सिटी रोड पर टायर नजरियात। शुमाली कोरिया को अमेरिका से जंग छिड़ने का खदशा, वजारत खारजा का कहना है कि अमेरिका और जनूबी कोरिया की फौजी मशकों ने खित्ते में तसादुम को यकीनी बनाया। शुमाली कोरिया जंग नहीं चाहता मगर उससे भागेगा भी नहीं। कराची के इलाके डिफेंस से अगवा बच्चा गुलिस्तान जौहर से बाजियाब, एक मुलजिम गिरफ्तार। अगवाकारों ने 15 करोड़ रुपए तावान मांगा था।